हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सवा के चावल की खीर। सवा के चावल बहुत ही पतले होते हैं, देखिए बिल्कुल बारीक होते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये और पौष्टिक भी काफी होते हैं। इसके लिए हमने आधा कप सवा के चावल लिए थे, जिसको 2 घंटा पानी में भिगो दिया, उसके बाद उसका पानी अलग कर दिया। 10 पिस्ते लिए थे जिनको बारीक काट लिया है, 2 चम्मच किशमिश ली है, 4 हरी इलायची ली है, इलायची हम कूट के डालेंगे, ताजी कुटी इलायची से खुशबू बहुत अच्छी आती है, 1/2 कटोरी चीनी ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1 लीटर दूध लिया है, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये दूध जो है इसको बॉइल करेंगे, उबालेंगे। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, इसमें डाल देंगे हम चावल। चावल हमने दूध में डाल दिए हैं, इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगभग 10 मिनट हम इसको धीमी गैस पर पकने देंगे। चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं दूध में और ये गाढ़ा हो गया। देखिए चावल आप देखेंगे हाथ से दबा के तो एकदम से गल गए हैं, इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसमें हम किशमिश, पिस्ता डाल देंगे, चीनी, इलायची को हमने कूट लिया है, छिलके के साथ हम डाल रहे हैं, छिलके के साथ ही हमने कूट लिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इन चावलों को हम व्रत में फास्ट में खाते हैं, किसी भी व्रत में किसी भी फास्ट में आप इस खीर को बनाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, टेस्टी भी है, पौष्टिक भी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। खीर हमारी बन चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। खीर हमारी बनकर के तैयार है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।